इंदौर पुलिस का बर्बर चेहरा सामने आया है। विजयनगर पुलिस ने डीजल बेच रहे युवक को केबिन में बंद कर प्लास्टिक के पाइप से कई घंटों तक पीटा। पुलिस के जवान थाना प्रभारी के सामने ही युवक को मारते रहे। युवक के परिवार से 50,000 रुपए की डिमांड की गई, बाद में 30,000 रुपए लेकर उसे जाने दिया गया। उधर विजयनगर TI रविंद्र गुर्जर का कहना है कि आरोपी पूरी तरह से झूठ बोल रहा है। इस पर अवैध तरीके से डीजल बेचने का आरोप है। यहाँ पिटाई जैसी कोई घटना नहीं हुई है। बताया जाता है कि मोहित पिता दिवलिया 26 वर्ष MCOM फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। वहीं परिवार का सहयोग करने के लिए मोहित ने विजयनगर इलाके में खुद की मोहित ट्रेवल एजेंसी शुरू की। शनिवार रात मोहित को परिवार के साथ बाहर जाना था, जिसके लिए उसने डीजल डब्बों में भर कर रखा था। तभी विजयनगर थाना के बीट जवान मोहित की दुकान में घुसे और छानबीन करने लगे। जवानों ने मोहित की दुकान से 25 लीटर डीजल जब्त किया। वहीं डीजल चोरी के आरोप में बीट आरक्षक राजू और अजय दोनों ने मोहित को थाने ले जाकर जमकर पीटा। उन्होंने मोहित की पिटाई विजयनगर थाना TI रविंद्र गुर्जर के सामने उन्हीं के केबिन में की। गुर्जर हाल ही में ग्वालियर से ट्रांसफर होकर इंदौर आए हैं। महकमे में चर्चा है कि वो गृह मंत्री के नजदीकी हैं। घटना के बाद पुलिस जवानों ने मोहित के पिता विनोद देवलिया को फोन लगाया, जहां मोहित के बारे में जानकारी दी कि वो डीजल बेचते हुए गिरफ्तार हुआ है। वहीं पिता ने बताया कि पुलिस ने मुझे धमकी दी कि बेटे को मादक पदार्थों की तस्करी में उलझा देंगे। मोहित का थाने में रो रो कर बुरा हाल था। वो कह रहा था कि पापा मुझे किसी भी तरह से यहां से बाहर निकालो। मैंने तुरंत ICICI बैंक के ATM से शनिवार देर रात 30,000 रुपए निकाल कर दोनों जवानों को सौंपे। उन्होंने कहा कि ये पैसा TI को देना है। पैसा मिलते ही दोनों ने मोहित को थाने से छोड़ दिया। वहीं इस मामले में पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने कहा जल्द इस मामले की जांच कराई जाएगी। वहीं यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो मुझे जबरदस्ती थाने ले गए और मेरा जो डीजल मेरी गाड़ी में डालने के लिए रखा था वो भी डीजल थाने पर ले जाकर रख दिया। उसके बाद मुझे बहुत मारा वहाँ पर थाने में, TI साहब के रूम पे लेकर बहुत मारा मुझे। उनने मेरे से कहा, बोले आपके लड़कों को छुड़वाना है तो 50,000 रुपए लगेंगे। मैंने कहा साहब मेरी इतनी औकात नहीं है, मैं तो 2-5 हज़ार रुपए की बात होती तो दे देता। उनने लड़के को इतना डरा दिया कि उन्होंने 30,000 रुपये यहाँ भरवा लिए और मैंने तत्काल मेरे ATM से 30,000 रुपये निकाल के और नगद उन दोनों को दिए पुलिस वालों को।